बैठक का आयोजन बड़ी संख्या में किसानों के पहुंचने की उम्मीद है। तो बीकेवी प्रवक्ता राकेश टिकैत भी इस बैठक में शामिल होंगे और एक बार फिर से संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम अपनी गतिविधियां तेज करने की तैयारी में जुटा हुआ है। तो किसानों से जुड़े मुद्दे को लेकर एसकेएम फिर से आंदोलन करने की तैयारी में है और इसी को लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। साथ ही योजना को लेकर चर्चा के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने आज गाजियाबाद में बैठक बुलाई और उस बैठक में मोर्चा से जुड़े सदस्य शिरकत करेंगे। साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा के नेता आज होने वाली बैठक में शामिल हो सकते हैं। इस बात पर चर्चा करेंगे कि आने वाले समय में किसान से जुड़े मुद्दों को सरकार के सामने किस तरह से उठाया जाना है, इसका समाधान कैसे कराया जाना है। तो तमाम ये मुद्दे हैं जो आज चर्चा का विषय इस बैठक में रहने वाले हैं। आपको बता दें कि इस बैठक में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत भी शामिल होंगे और माना जा रहा है कि किसानों की बैठक में बड़ी संख्या में किसानों के भी पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। तो आंदोलन की तैयारी में एक बार फिर से किसान, क्योंकि लगातार जो सुगबुगाहट है वो अंदर खाते चल रही थी और आज ये बैठक कई मायनों में काफी अहम। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उदयपुर कन्हैया की हत्या के मामले में का यूपी कनेक्शन, तो यूपी में सक्रिय मोड पर सुरक्षा एजेंसियां, तो एनआईए और एटीएस लगातार मामले की जांच में जुटी हुई है। आरोपियों से पूछताछ यहां पर, तो कई ऐसे चेहरे हैं जो भी बेनकाब होना बाकी हैं और ऐसे में जो पकड़े गए दोनों आरोपी हैं उनसे पूछताछ यहां पर एनआईए और एटीएस की टीम करेगी। तो यूपी में फैले नेटवर्क की भी जांच यहां पर की जा रही है। यूपी में फैले नेटवर्क को सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से खंगाला जा रहा है और सूत्रों के हवाले से ये खबर भी सामने आ रही है कि दावत इस्लामिया संगठन के फॉलोअर्स पर भी पैनी नजर है। कट्टरपंथी मैसेज करने वालों पर खास नजर सुरक्षा एजेंसियों, तो सुरक्षा एजेंसियों ने स्पेशल सर्विस लाइन टीम को इस पूरे संदर्भ में लगाया। तो उदयपुर में कन्हैया की गर्दन काटने वाले आतंकियों के यूपी कनेक्शन की बात सामने आई है, जिसको लेकर सतर्क मोड पर सुरक्षा एजेंसियां और उसके बाद यूपी में सुरक्षा एजेंसियों ने अपना जो सक्रियता है उसको बढ़ा दिया है। एनआईए और एटीएस आतंकी गौस मोहम्मद और रियाज के दावत इस्लामी से जुड़े होने के बाद अपने अपने तरीके से उनके यूपी में फैले नेटवर्क को सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से खंगाला जा रहा है। तो सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसी दावत इस्लामी संगठन के फॉलोअर्स